ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यस, टुडे द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फाइल्ड बाय करतार सिंह तनवर वाज लिस्टेड एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट हर्ड द आर्गुमेंट एंड वाज प्लीज टू इशू नोटिस एंड द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन दिस मैटर इज 9th ऑफ डिसम्बर। The court has given time to the other side to file their reply. So when the disqualification order was issued by the speaker of the assembly? It was issued on 24th of September 2024. So what was the reason for disqualification? The reason for disqualification petition was, the allegation was that Kartar Singh Tanwar has joined BJP and has voluntarily given up his membership in Aam Aadmi Party. That is one of the ground, and that is the ground on which this petition was filed. Okay. So, what was the allegation leveled by Dilip Kumar Pandey and in his petition, disqualification petition? So, basically, the allegation was on 11th of July 2024, Sri Kartar Singh Tanwar joined BJP. He produced certain newspaper clippings saying that Mr. Tanwar has joined BJP. So had he resigned from the membership of Aam Aadmi Party before joining BJP? No, he hasn't. Okay. That is the only ground for yes. his disqualification? Yes. Thank you. Okay. Sir, jo Tanwar ki jo yachika hai, us par Delhi High Court ne aaj notice issue kiya hai. Kya mamla hai, kab agli sunwai hogi? Ji haan. करतार सिंह तनवर जी का डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन आज हियरिंग हुआ हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इसमें नोटिस इशू करते हुए अदर साइड को रिप्लाई फाइल करने का अपॉर्चुनिटी दिए हैं। सर, क्या मामला क्या है, क्यों हाई कोर्ट आना पड़ा? दिलीप पांडे जी के तरफ से एक पिटीशन फाइल हुआ था फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ करतार सिंह तनवर और करतार सिंह तनवर जी के अगेंस्ट में एलिगेशन ये था कि वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इसी पिटीशन में स्पीकर साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं करतार सिंह तनवर जी को, जिसके अगेंस्ट में हम लोग हाई कोर्ट में आए थे और हाई कोर्ट इसमें नोटिस इशू किए हैं। क्या आप के एमएलए रहते हुए, आम आदमी पार्टी एमएलए रहते हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी या पहले रिजाइन किया था तब बीजेपी ज्वाइन किया? नहीं, रिजाइन नहीं किए थे जी। लेकिन एलिगेशन ये है कि रिजाइन करने से पहले वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। सो एक तरीके से वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार उन्होंने माना है, यही आधार है करके उनके पिटीशन में ग्राउंड से। तो अब अगली सुनवाई कब होनी है? 9th of December 2024। नोटिस किस किस को हुआ है? नोटिस इशू हुआ है हमारे पिटीशन के ऊपर और नेक्स्ट डेट 9th ऑफ दिसंबर है। नहीं, स्पीकर और दिलीप पांडे दोनों को हुआ है। दोनों को जी। हिंदी में बोलेंगे सर, थोड़ा सा आम आदमी।